हे गाइस, आज के वीडियो में हम स्पार्टाकस गॉड्स ऑफ द अरेना सीरीज का रिकैप करेंगे। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। अगर आपको स्पार्टाकस जैसी वेब सीरीज या फिर मूवीज पता है तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये सीरीज हिस्टोरिकल ड्रामा कम एक्शन वाली ज्यादा है और यहाँ पे जो WWE जैसे ही फाइट वाला गेम खेला जाता है उन फाइटर्स को ग्लैडिएटर्स बोला जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है कैपुआ नाम के शहर से, जहाँ पे ग्लैडिएटर्स की तगड़ी फाइट चल रही होती है। उस फाइट में टाइटस लेंटुलस बैटियाटस के ग्लैडिएटर्स और कैपुआ शहर के अमीर ज्यादा वेटियस के ग्लैडिएटर्स होते हैं। वेटियस उस सिटी का सबसे अमीर आदमी टुलियस का दोस्त होकर टुलियस कैपुआ शहर में नया मैदान बना रहा होता है, जिसे वो न्यू अरेना बोलते हैं। साथ में सिटी का मैजिस्ट्रेट सेक्सटस भी टुलियस का दोस्त होता है। टाइटस सिसिलिया शहर गया होता है, तो अब मैदान में उसका बेटा क्विंटस लेंटुलस बाटियाटस अपनी पत्नी लुक्रेसिया और अपने दोस्त सोलोनियस के साथ आया होता है, लेकिन उसे वेटियस के साथ वगैरह स्टेज पे बैठने की परमिशन नहीं होती। फाइट में वेटियस के फाइटर क्विंटस के ग्लैडिएटर्स को जम के पेलते हैं। तभी वहाँ एक फाइट में क्विंटस का गैनिकस नाम का ग्लैडिएटर मैदान में आते ही पब्लिक पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। गैनिकस अखंड बेवड़ा और लड़कियों के साथ पेलम पेलाई करने में एक्सपर्ट होता है, लेकिन वो काफी तगड़ी फाइट करता है, जिससे मैदान में वेटियस के आदमी को गैनिकस मजाक मजाक में ही बिना तलवार के ही ठोकता है। लेकिन स्टेज पे मैजिस्ट्रेट और टुलियस अभी तक नहीं आए होते, तो क्विंटस गैनिकस उनके आने तक फाइटर को मत मारो ऐसा चिल्लाता है, क्योंकि क्विंटस अपने ग्लैडिएटर्स को फ्यूचर में होने वाले नए मैदान के गेम्स में मौका मिल के वो भी स्टेज पे मैजिस्ट्रेट के साथ वगैरह बैठ सके। लेकिन गैनिकस को आवाज नहीं आती और वो फाइटर को बड़े ही प्यार से पेलता है। उसके बाद मैजिस्ट्रेट और टुलियस आता है, जिससे क्विंटस थोड़ा नाराज होता है, लेकिन सोलोनियस और लुक्रेसिया उसे समझा के सब फाइट के बारे में बातें करते हुए मैदान के बाहर आते हैं। तभी थोड़ी देर में वहीं पे रोम से लुक्रेसिया की फ्रेंड गाइया आती है, जिसे देख के लुक्रेसिया कुछ ज्यादा ही खुश होती है और गाइया का पति मर गया होता है, तो क्विंटस सॉरी वगैरह बोल के लुक्रेसिया गाइया को अपने घर ले जाती है। उसके बाद क्विंटस और सोलोनियस फ्यूचर फाइट्स के बारे में बातें करते हैं। तभी बाजार में टुलियस का गुलाम क्रिक्सस और टुलियस के आदमियों का थोड़ा झगड़ा होता है, तो क्विंटस उनके पास जाके क्रिक्सस सेल पे नहीं होता, फिर भी 50 दिनारी जैसी बड़ी रकम देके क्रिक्सस को खरीद लेता है, क्योंकि क्विंटस टुलियस का फेवर लेना चाहता है। लेकिन रात को उस डील के लिए वो बहुत पछतावा करता है, तो लुक्रेसिया उसे समझा के गाइया को अपने लूडस मतलब घर में रुकने के लिए मनाती है और फिर पागलों की तरह चुम्मा चाटी करके क्विंटस लुक्रेसिया को टेबल पे बिठा के उठा उठा के पेलता है। उनकी ठुकाई देख के गाइया की सुरंग में आग लग के वो अपने हाथों से खुद को शांत कराती है। या फाइट जीतने की वजह से गैनिकस को रिवार्ड दे के वो भी 5-6 लड़कियों को दारू पीला पीला के आगे पीछे से जम के पेलता है। और ठुकाई होने के बाद उसे लुक्रेसिया की खास नौकरानी मेलिटा बुलाने आके दोनों ओनोमेस को मिलने जाके ओनोमस गैनिकस की तारीफ वगैरह करता है। ओनोमेस भी एक ग्लैडिएटर होता है, इसे टाइटस ने अंडरग्राउंड फाइट से खरीदा होता है। तभी से वो टाइटस का बहुत ही ज्यादा वफादार होकर वो लूडस को ही अपना घर मानता है और वो पहला ग्लैडिएटर होता है जिसने थियोकलिस के साथ फाइट करके जिंदा बचा हो। साथ में मेलिटा ओनोमेस की बीवी होके गैनिकस ओनोमेस को भाई की तरह और मेलिटा को भाभी की तरह मानता है, लेकिन बाकी की डियोना नेविया नाम की नौकरानी वगैरह सब गैनिकस पे लाइन मारती है। वही लूडस में क्रिक्सस की मुलाकात सीरियन लड़के असुर डेगन से वगैरह होके वो भी गैनिकस जैसा ग्लैडिएटर बनना चाहता है। अगले दिन सब ग्लैडिएटर्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तभी क्विंटस जा रहा होता है तो उसे इम्प्रेस करने के लिए ओनोमेस बारका को जम के ठोकता है, लेकिन क्विंटस उसकी तारीफ करके क्रिक्सस को फाइट सिखाने को बोलता है, जिससे ओनोमेस क्रिक्सस को जम के पेलता है क्योंकि ओनोमेस अब ठीक होके वो भी मैदान में फाइट करना चाहता है। क्विंटस सोलोनियस के साथ टुलियस को उसकी दुकान पे मिलने जाके फाइट के बारे में बात करता है, लेकिन वह वेटियस होके उसकी और क्विंटस की बहस होके दोनों अपने अपने ग्लैडिएटर्स को बेस्ट बोल के जोश जोश में दोनों अगली सुबह मार्केट में फाइट रखते हैं, जिसपे टुलियस और मैजिस्ट्रेट भी राजी होता है, जिससे रात को क्विंटस ओनोमेस को ऑफिस में बुला के गैनिकस के साथ मार्केट वाली फाइट के बारे में बात करने को बोलता है, तो ओनोमेस थोड़ा उदास होता है, तो मेलिटा उसे समझा के अपने गुलाबी संतरे पिला के ओनोमेस अपने काले पप्पू से जम के पेलम पेलाई करता है। और फिर ठुकाई होने के बाद ओनोमेस को बाहर गैनिकस जम के पी के गाने गाने की आवाज आती है, तो वो उसे समझा के फाइट के बारे में बताता है। अगली सुबह सब मार्केट जाके उस फाइट से उनका डॉक्टर है मतलब ट्रेनर भी नाखुश होता है, लेकिन वह अनाउंसमेंट वगैरह करके फाइट शुरू होने ही वाली होती है, तभी वेटियस गैनिकस की आंखों पे पट्टी बांधने की बात करके क्विंटस को पीछे हटने को बोलता है, लेकिन गैनिकस खुद रेडी होके आंखों पे पट्टी बांध के फाइट करता है और तगड़ी फाइट करके किसी तरह से वेटियस के फाइटर को मार के जीत जाता है, जिससे सब खुश होकर टुलियस क्विंटस को शाम को न्यू अरेना मतलब नए मैदान के ओपनिंग गेम्स के बारे में बात करने को बुलाता है, तो क्विंटस बहुत खुश होता है। साथ में लूडस में सब ग्लैडिएटर्स गैनिकस की तारीफ करके उसे जो रिवॉर्ड मिलता है वो सब फाइटर्स में शेयर करता है, जिसे देख के क्रिक्सस इंस्पायर होकर वो भी उसकी तरह फाइट करने का सोचता है। क्विंटस बहुत ही ज्यादा खुश होकर रेडी वगैरह होकर टुलियस से मिलने जाता है। वहां पे वेटियस भी होता है, जिसे देख के क्विंटस थोड़ा शॉक होता है। टुलियस क्विंटस के साथ बात करके ओपनिंग गेम्स में उसके ग्लैडिएटर्स की फाइट और उसे स्टेज पे बैठने की परमिशन के बदले में 200 दिनारी में गैनिकस को खरीदना चाहता है, जिससे क्विंटस शॉक होकर गैनिकस को बेचने से
से मना करता है। तो टूलियस, तुमने क्रिक्सस को खरीदा तो मैंने एक्सेप्ट किया, तो अब तुम्हें भी डील करनी होगी, ऐसा बोल के उसके आदमी को पेल के उसे भी जम के ठोकता है। साथ में क्विंटस के मुंह पे मुंह के वेटियस थूकता है और टूलियस फिर से सोच के बताना ऐसा बोल के चले जाते हैं। यह घर में गाइया ने रोम से बहुत सारे गिफ्ट्स लाई होती है, तो वो सब लुक्रेशिया को देके उसे अफीम पिला के दोनों जम के चुम्माचाटी करती है। अगली सुबह क्विंटस किसी तरह से घर आता है और थोड़ा ठीक होके होश में वगैरह आता है, लेकिन वो बहुत गुस्से में ही होता है। मार्केट में टूलियस और वेटियस विनालिया गेम्स के लिए रोम से वारस ग्लैडिएटर्स देखने आने वाला होता है, तो उसी के बारे में बात करते हुए जा रहे होते हैं। तभी उन्हें सलोनियस क्विंटस के लिए गिफ्ट खरीदते हुए दिखता है, तो टूलियस उसके पास जाके गिफ्ट के पैसे देके उसे क्विंटस को मेरा मैसेज देने को बोल के अपने साथ ले जाता है। लूडस में सब मस्त ट्रेनिंग करते हैं। अब क्रिक्सस भी ओनोमेस के इंस्ट्रक्शन से अच्छी फाइट करने लगता है, जिससे ट्रेनर ओनोमेस को अरेना में भेजने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऐसा बोलता है, तो ओनोमेस खुश होता है। वहीं पे क्रिक्सस को देख के गाइया की सुरंग में खुजली होकर वो उस पर लाइन मारने लगती है। क्विंटस अपने पिता के ग्लैडिएटर्स के पुतले देख रहा होता है, तभी सलोनियस गिफ्ट्स और शराब लेके आता है, तो क्विंटस थोड़ा खुश होता है, लेकिन सलोनियस उसे ये सब टूलियस ने दिया है। साथ में उसने गेनिकस का रेट डबल करके तुम्हारे आदमियों को विनालिया गेम्स में स्ट्रांग पोजिशन पे रखने का भी ऑफर दिया है ऐसा वैसा बताता है, तो क्विंटस गुस्सा होकर शराब और गिफ्ट फेंक के उस पर भड़कता है। तो लुक्रेशिया वगैरह आके उसे समझा के सलोनियस उसे वारस आने की भी खबर दे के चला जाता है, और गाइया वारस को मैं जानती हूँ ऐसा बोलती है, तो सलोनियस वेटियस को ठोक के वारस को अपनी तरफ करने का प्लान करता है। तभी लूडस में ट्रेनिंग करते हुए इंडस को गुस्से में माइंस में भेजने को बोलता है। श्याम को क्रिक्सस डेगोन और असुर नए होते हैं, तो बारका वगैरह उनसे झगड़ा करके उनके खाने में मूत के उनपे हंसते हैं। वही ओनोमेस और गैनिकस अपने कमरे में मस्त पैक लगा के बातें करते हैं। तभी मेलिटा के वो भी बात करती है, तो गैनिकस हम सिर्फ उनके गुलाम हैं, वो हमसे कुछ भी करवा सकते हैं ऐसा वैसा बोल के चला जाता है, तो मेलिटा थोड़ी सोच में पड़ती है। गैनिकस जाते जाते क्रिक्सस पीछे से आके बात करना चाहता है, तो गैनिकस उसे पकड़ के अगर चैंपियन बनना है तो कभी हारना मत ऐसा बोल के चला जाता है। अगली सुबह क्विंटस बाजार जाने वाला होता है, तो ट्रेनर को असुर बारका और डेगन को रेडी करने को बोलता है, जिससे डॉक्टर सवाल पूछ के इंडस के बारे में भी बहस करता है, तो क्विंटस उस पे भड़क के उनके साथ इंडस को भी रेडी करने को बोलता है, और फिर और लुक्रेशिया से बात करके मार्केट जाता है। वहां पे क्विंटस डेगन इंडस और असुर को प्लान बता के अगर काम हो गया तो तुम्हें बिना टेस्ट दिए ही ब्रदरहुड का मार्क दिया जाएगा ऐसा बता के बाजार में वेटियस आता है, तो इंडस उसके पास वारस का आदमी बन के जाता है और उसे एक सुनसान जगह पे लाता है। वहां पे असुर और डेगन छुपा हुआ होके वो सब वेटियस और उसके आदमियों को जम के ठोकते है और वेटियस के मुंह पे भी मूंदते है। साथ में असुर इंडस को वेटियस ने तुम्हारा फेस देख लिया है और क्विंटस का भी आदेश था ऐसा बोल के उसे मार के वहां से चले जाते हैं। यह बाजार में वारस आके वेटियस का वेट करता है, लेकिन उसके पास गाइया और लुक्रेशिया पहुंच के गाइया वारस के साथ बात करके लुक्रेशिया से मिलवा के वेटियस नहीं आता, तो गाइया उसे मना के लुक्रेशिया के घर लाते हैं। वहां उसकी मस्त खातिरदारी करके क्विंटस भी आके वो बातें वगैरह करके बातों बातों में विनालिया गेम्स और ग्लैडिएटर्स की बात निकाल के अपने ग्लैडिएटर दिखाता है, और वहीं पे गैनिकस और ओनोमेस की फाइट अनाउंस करता है, लेकिन गाइया ओनोमेस की जगह क्रिक्सस को चूज करती है, तो सब शॉक होके ओनोमेस उदास होता है। साथ में लकड़ी की जगह ओरिजिनल तलवार से फाइट शुरू होके क्रिक्सस भी तगड़ी फाइट करता है, लेकिन गैनिकस उसे हराता है, तो गाइया क्रिक्सस को जीवन दान देने को बोल के वारस को पर्सनली गैनिकस को दिखाने को बोल के गाइया और वारस को अंदर ले जाती है, जिससे क्विंटस डॉक्टर से गैनिकस को रेडी कराने को बोलता है। साथ में डेगन और असुर को ब्रदरहुड का मार्क लगाने को भी बोलता है, तो फिर से डॉक्टर उसके साथ बहस करता है, तो क्विंटस भड़क के तुम सिर्फ मेरे गुलाम हो और ओनोमेस को डॉक्टर बनाने की बात करके चला जाता है, और गैनिकस आने के बाद उसे सब समझा के वारस के पास ले जाता है। वह वारस गैनिकस के औजार को वगैरह देख के मेलिटा के साथ करने को बोलता है, जिसे लुक्रेशिया मना करती है, तो क्विंटस उसे रोक के मेलिटा और गैनिकस को ठुकाई करने को बोल के मेलिटा उदास होके उसकी आंखों में आंसू होते हैं, तो गैनिकस मेलिटा को मैं ठुकाई नहीं कर सकता ऐसा बोलता है, फिर भी मेलिटा उसे ठोकने को बोल के गैनिकस अपना लंबा औजार मेलिटा की सुरंग में डाल के जम के पेलम पेलाई करता है, और थोड़ी देर में मेलिटा को मजे आके वो भी मस्त अपनी सुरंग शांत करवाती है। उनकी ठुकाई देख के वारस अपने पप्पू को हाथों से हिला के खुद को शांत करवाता है, और ठुकाई होने के बाद वहां से जाते जाते गैनिकस को अपने गेम्स में लेने की बात करता है, तो क्विंटस लुक्रेशिया वगैरह बहुत खुश होते हैं। यह डॉक्टर असुर को वगैरह गुस्से में बिना शपथ के ही मार्क लगाता है, तो ओनोमेस सवाल करने लगता है, वैसे ही डॉक्टर अब तुम मुझे सिखाओगे क्या ऐसा बोल के उसे तलवार देके फाइट करने को बोल के उस पे हमला करता है, तो ओनोमेस शॉक होके उसके वार को रोकने लगता है, लेकिन फाइट करते करते पहाड़ी की तरफ जाके ओनोमेस खुद को बचाने के लिए डॉक्टरों को मार के डॉक्टर खुश होता है और मैंने तुम्हें अच्छा सिखाया है ऐसा बोल के मर जाता है, जिससे ओनोमेस बहुत उदास होकर सारा कांड क्विंटस को बताता है, तो वो सब गुस्से में मैंने बोला था उस वजह से हुआ ऐसा बता के ओनोमेस को डॉक्टर बनाना चाहता है, तो ओनोमेस थोड़ा उदास भी होता है, और फिर मेलिटा से मिलने की रिक्वेस्ट करके मेलिटा भी उदास होके ही ओनोमेस को मिलके दोनों उदासी होते हैं। अगले दिन सबके सामने क्विंटस ओनोमेस को डॉक्टर बना के
गैनिकस की भी तारीफ करता है, लेकिन दोनों ही उदास होते हैं। तो मेलिटा ओनोमेस को थोड़ा मोटिवेट करके ओनोमेस मैदान में ट्रेनिंग देना स्टार्ट करता है। वारस ने गैनिकस को प्राइमस में चूज किया होता है, तो क्विंटस वगैरह बहुत खुश होके लुक्रेशिया और गाइया के साथ मस्त पैक लगा के दोनों को जम के उठा उठा के दोनों के बड़े बड़े गुब्बारे दबा दबा के आगे पीछे से पेलम पिलाई करने लगता है। तभी टाइटस आके उनकी ठोकाई देख के लुक्रेशिया और क्विंटस की फट जाती है, और फिर पटापट कपड़े वगैरह पहन के क्विंटस टाइटस के पास ऑफिस में जाता है। तो वह टाइटस उस पे खूब चिल्लाता है, साथ में सलोनियस ने मुझे खबर दी थी ऐसा वैसा बता के उसे वारस के साथ वगैरह जो बात हुई थी वो सब पता चलती है। तो टाइटस थोड़ा शॉक होता है और फिर लुक्रेशिया पे वगैरह चिल्ला के अपने आदमियों से मिलने जाता है। वह असुर को वगैरह मार्क मिलने के बाद भी बारका वगैरह उनके खाने में मूदते है, जिससे वो झगड़ा करने की कोशिश करते है, लेकिन गैनिकस उन्हें रोक के बारका से वगैरह भी नाराज होता है। तभी वह टाइटस आके सबके साथ मिलके ओनोमेस को डॉक्टर बना देख के क्विंटस टाइटस को अनफॉर्चुनेट मौत की वजह से ओनोमेस को डॉक्टर बना दिया है ऐसा बता के टाइटस ओनोमेस के साथ अकेले में बात करके वो डॉक्टर बन के नाखुश दिखता है। तो टाइटस उसे मोटिवेट करता है। अगले दिन मैदान में ट्रेनिंग करते टाइम ओनोमेस ऑर्डर देता है और बारका उसका ऑर्डर नहीं मानता, तो टाइटस सबको उसका ऑर्डर मानने को बोलता है। और गैनिकस आराम से उठ के आता है, तो क्विंटस को ये चैंपियन बनने के लायक नहीं है ऐसा वैसा बोल के उसे लेकर बाजार में टूलियस के दुकान पे जाता है। वहां पे वेटियस भी होता है और टाइटस टूलियस से बात करके टूलियस वेटियस पे हमले के बारे में और वारस के उसके घर पे जाने के बारे में पूछता है। तो क्विंटस वारस को गाइया वगैरह लेकर आए थे ऐसा वैसा बता के वेटियस के साथ बहस होने लगती है। तो टाइटस क्विंटस को बाहर भेज के टूलियस भी वेटियस को शांत करा के टाइटस और टूलियस बातें करने लगते है। बाहर क्विंटस बैठा होता है, तभी वह सलोनियस आता है, तो क्विंटस उस पे चिल्लाता है, जिससे सलोनियस मुझे टाइटस सिसिलिया से वापस आएगा ऐसा बिल्कुल भी पता नहीं था, मैंने सिर्फ तुम्हारी हालत के बारे में खबर दी थी ऐसा वैसा बताता है। तभी टाइटस टूलियस वगैरह बाहर आके टूलियस सलोनियस को अपने साथ ले जाता है। वहीं पे टाइटस क्विंटस के साथ बात करते करते अब गैनिकस फाइट नहीं करेगा, साथ में फाइट में अपोनेंट्स टूलियस वगैरह डिसाइड करेगा ऐसा बता के चला जाता है। तो क्विंटस बहुत गुस्सा होता है। ट्रेनिंग करते करते बारका क्रिक्सस को जम के पेलता है, क्योंकि क्रिक्सस को भाले के साथ फाइट नहीं करनी आती, तो गैनिकस क्रिक्सस को थोड़ा मोटिवेट करके बारका के साथ फाइट करता है। वहीं पे क्रिक्सस को ट्रेनिंग करते देख गाइया लुक्रेशिया से क्रिक्सस की तारीफ करती है और दोनों बातें ही कर रहे होते हैं। तभी वह वारस अपने दोस्त कसुटियस को लेकर आता है, तो लुक्रेशिया वगैरह शॉक होकर उनसे बात करते हैं। वहीं पे पिछली बार जो ठुकाई हुई थी उसके बारे में बात करके कसुटियस भी एंजॉय करना चाहता है ऐसा बोलता है। तो लुक्रेशिया मना करके वारस फाइट ना करने की बात करता है, जिससे गाइया संभाल के लुक्रेशिया राजी होती है। लेकिन इस बार मेलिटा को छोड़ के तुम कोई भी ग्लैडिएटर चूज करो और उसके साथ सिल्पैक नौकरानी ठुकाई करेगी ऐसा बोलती है। तो सब राजी होके नेविया और डियोना भी खुश होती है। उसके बाद कसुटियस रास्कोस को चूज करके डियोना और नेविया की सुरंग देख के डियोना की सुरंग टाइट दिखती है, तो डियोना को चूज करके रास्कोस डियोना के साथ कसुटियस जैसे बोलता है वैसे जम के ठुकाई करता है। साथ में कसुटियस भी डियोना को पीछे से पेलता है, जिससे वो रोती है। साथ में ठुकाई होने के बाद नेविया डियोना को देखती है, तो डियोना की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होके वो बहुत ही ज्यादा उदास दिखाई देती है। और फिर वारस लुक्रेशिया को गैनिकस प्राइमस में होगा ऐसा आश्वासन देके कसुटियस और वारस चला जाता है। यह बारका और ऑक्टस चुम्माचाटी करके कमरे में जाते हैं, लेकिन वह असुर ने वगैरह उसके कबूतरों को मार के खाया होता है। तो बारका वगैरह डेगन और असुर को पेलने जाके उनका तगड़ा झगड़ा होता है। तो असुर क्रिक्सस को भी फाइट करने को बोलता है, लेकिन उसे मार्क नहीं मिला होता, जिससे वो उनकी हेल्प नहीं करता। तभी ओनोमेस आके उन्हें रोकने लगता है, लेकिन उसे भी धनका देते है, तो गैनिकस भी उन्हें पेलने लगता है। तभी टाइटस वगैरह आके सबको शांत करा के गैनिकस फाइट नहीं करेगा ऐसा बता के बाकियों की फाइट की लिस्ट देके चला जाता है, जिससे गैनिकस बहुत ही ज्यादा उदास होता है। लेकिन बाकी के ग्लैडिएटर्स खुश होकर फाइट में क्रिक्सस का भी नाम होता है, तो वो भी खुश होता है। अगली सुबह सब रेडी होके गैनिकस सबको बेस्ट ऑफ लक वगैरह बोल के टाइटस भी लुक्रेशिया से अच्छे से बात करके सब अरेना में जाते हैं। वहां स्टेज पे वारस टूलियस के साथ वगैरह टाइटस होता है, लेकिन क्विंटस वगैरह पब्लिक में बैठा होता है। फाइट में जो भी हारता है उसे वारस जीवन दान देता है। वहीं पे आखिरी फाइट क्रिक्सस और ऑक्टस की होती है, और क्रिक्सस को क्विंटस ने खरीद के उसी के अंडर ट्रेन किया होता है। तो क्विंटस खुद क्रिक्सस को मोटिवेट करता है और फिर टाइटस अनाउंसमेंट करके फाइट शुरू होती है। तो पब्लिक क्रिक्सस पे टमाटर वगैरह फेंक के मारते हैं, लेकिन क्रिक्सस ऑक्टस का भाला तोड़ के तगड़ी फाइट करके फाइट में ऑक्टस को मार देता है, जिससे क्विंटस वगैरह बहुत खुश होकर पब्लिक भी उसके नाम के नारे लगाते हैं। लेकिन बारका बहुत उदास होता है। श्याम को शपथ वगैरह लेके क्रिक्सस को क्विंटस खुद ब्रदरहुड का मार्क लगाता है, जिससे सबके साथ बारका भी क्रिक्सस को बधाइयां देता है। क्विंटस को लगता है कि टाइटस अब वापस सिसिलिया जाएगा, लेकिन टाइटस मैंने क्रिक्सस और तुम्हें कम समझा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था ऐसा वैसा बोल के अब मैं यही रहूंगा ऐसा बोल के खुश होके चला जाता है। तो क्विंटस शॉक और उदास होता है। अगले दिन टाइटस को स्टेज पे नहीं बैठने देते, फिर भी वो खुश होके पब्लिक और अपने बेटे के साथ फाइट देख के एंजॉय करता है। उस दिन असुर और डेगन दोनों एक साथ दूसरे दो फाइटर के साथ फाइट करते
करते हैं। उसमें असुर बहुत ही बेकार फाइट करके उसे ठोकते हैं, लेकिन डेगन की वजह से वो बच जाता है। वहीं पे वेटियस का एक आदमी कैबरस वो बहुत ही खतरनाक फाइट करके लोंडे का दिल निकाल के मार देता है। फाइट देखते देखते क्विंटस टाइटस के साथ बहस करके मैं सिर्फ न्यू अरेना के ओपनिंग गेम्स में अपनी पोजिशन बनाना चाहता हूँ ऐसा वैसा बोलता है, तो क्विंटस मैं रिलेशन सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसा बोलता है। बाहर मार्केट में गाइया और लुक्रेशिया बातें करती हुई जा रही होती है, तभी उन्हें पेट्रोनियस दिखता है और वो भी अमीर जाता हो के उसके भी गेम्स वगैरह होते हैं। तो गाइया पहचान निकाल के उसके साथ बात करके लुक्रेशिया को मिलवाती है, लेकिन उसने उसके घर में जो भी ठुकाई के कांड होते हैं उसके बारे में सुना होता है, तो वो लुक्रेशिया को पहचान के ठुकाई का टॉपिक निकालता है, जिससे लुक्रेशिया थोड़ी उदास होती है। शाम को सब लूडस आते हैं, लेकिन असुर वगैरह जीत के वापस आते हैं, फिर भी उनकी कोई भी तारीफ नहीं करता। वहीं पे गैनिकस ओनोमेस के साथ ढंग से बात नहीं करता, तो टाइटस गैनिकस को बुला के अपने पुराने चैंपियन के बारे में बता के थोड़ी बातें करके लूडस भेजता है। लुक्रेशिया उदास होके ही आती है, तो क्विंटस के बात करने पे गाइया पेट्रोनियस के बारे में बता के वो भी यहाँ आनंद लेना चाहता है और उसकी मदद से ओपनिंग गेम्स में पोजीशन मिल सकती है ऐसा बताती है। तो क्विंटस पार्टी की तैयारी करो, मैं अपने पिता को संभालूंगा ऐसा बोलता है। मेलिटा ओनोमेस के पास जा रही होती है, तो गैनिकस उसे देख के उनकी ठुकाई के बारे में बात करता है, क्योंकि अब गैनिकस को मेलिटा से प्यार होने लगता है। तो मेलिटा उसे समझा के ओनोमेस के पास जाके चुम्मा चाटी करके जोरदार पेलम पेलाई करती है, लेकिन ठुकाई करते टाइम मेलिटा को भी गैनिकस के साथ हुई ठुकाई याद आती है। अगले दिन सब ट्रेनिंग करते हैं, क्रिक्सस भी तगड़े फॉर्म में आने लगता है। वही ओनोमेस ग्नेस को ऑर्डर दे के वो नहीं मानता, तो ओनोमेस उस पे कोड़ा लगा के सब शॉक होके ग्नेस उसका ऑर्डर मानता है। साथ में गैनिकस भी मैदान में आके वो भी तगड़ी ट्रेनिंग करने लगता है, जिसे देख के टाइटस उसकी तारीफ करता है। तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है, तो उसी का बहाना करके क्विंटस पट से हमें नियोपोलिस जाके नए आदमी देखने चाहिए, इसी बहाने से घूमना भी हो जाएगा ऐसा बोल के टाइटस भी राजी होता है, जिससे क्विंटस वगैरह खुश होकर लुक्रेशिया को पेट्रोनियस को खुश करो, साथ में मेरी जगह सलोनियस को बुलाना ऐसा बोलता है। और फिर शाम को टाइटस और क्विंटस नियोपोलिस जाते हैं। असुर ने बहुत बेकार फाइट करने की वजह से उसे डेगन से कम दिनारी मिलती है, तो असुर ना खुश होता है। वहीं पे बारका ऑक्टस की मौत से बहुत उदास रहता है, तो क्रिक्सस खाना लेके उसके पास जाता है और कबूतरों को खाना देके अपनी फैमिली स्टोरी बता के ऑक्टस पहला आदमी है जिसकी मैंने जान ली ऐसा बताता है। तो बारका शॉक होके ये कबूतर ऑक्टस के है ऐसा बता के उन्हें खाना खिलाता है। पार्टी की तैयारी करते करते डियोना बहुत ही ज्यादा उदास दिखती है, तो नेविया उससे बात करती है, तो डियोना उस पे ही भड़क के तुम्हारी सुरंग टाइट नहीं थी इसलिए मुझे चूज किया, सब तुम्हारी वजह से हुआ है ऐसा वैसा बोलती है। और डोमिना मतलब मालकिन ने मुझे फिर से रेडी होने को बोला है ऐसा बता के चली जाती है, तो नेविया भी उदास होती है। लुक्रेशिया मेलिटा से बात करके ओनोमेस को संभालना वरना तुम्हारा भी सीक्रेट बाहर निकलेगा ऐसी चेतावनी देके वहां पे सलोनियस आता है और फिर पार्टी शुरू होके डियोना की जम के ठुकाई होती है, जिसे देख के सब एंजॉय करते हैं। लेकिन पार्टी में टूलियस को इन्विटेशन नहीं होता, फिर भी वो आता है, जिसे लुक्रेशिया वगैरह शॉक होते हैं, लेकिन वो उसे वहां से भगा भी नहीं सकते। वहीं पे टूलियस गैनिकस को फाइट की चुनौती देता है, तो ओनोमेस गैनिकस को उसे मारना मत हार जाना ऐसी वार्निंग देके फाइट शुरू होती है, लेकिन टूलियस वो सब जानबूझकर कर रहा होता है और उसे सब पता होता है, जिसका फायदा उठा के वो गैनिकस को जम के पेलता है और गैनिकस जानबूझकर हार के सरेंडर वाला साइन दिखाता है। फिर भी टूलियस उसे मारने ही वाला होता है कि लुक्रेशिया उसे रोक के मास्क वगैरह लाके अब सब ठुकाई का आनंद लेंगे ऐसी अनाउंसमेंट करती है, जिसे मेलिटा पट से गैनिकस को लूडस में डॉक्टर के पास ले जाती है। वह गैनिकस इमोशनल होकर मेलिटा के साथ ठुकाई वाली बातें करता है, जिसे मेलिटा भी गर्म होकर दोनों जोरदार चुम्मा चाटी करती है। यह क्विंटस और टाइटस नियोपोलिसा के आदमी देखते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी पसंद नहीं आता, तो वो वहां की शराब पीने जाते हैं। वहीं पे पैक मारते मारते टाइटस क्विंटस से बात करके तुमने मुझे किसी बड़े कारण की वजह से नियोपोलिस लाया है, आदमी खरीदने का सिर्फ बहाना था ऐसा वैसा बोल के हम अभी घर जाएंगे ऐसा बोल के वहां से घर आने के लिए निकलते हैं। यह घर में सब मास्क लगा के पागलों की तरह एक दूसरे के साथ जम के पेलम पेलाई करते हैं। गाइया टूलियस का फेवर लेने के लिए टूलियस के पास जाके उसे गर्म करने लगती है और अकेले में ले जाके टूलियस गाइया के गुलाबी संतरे दबा दबा के पीछे से ठुकाई करता है, साथ में ठुकाई होने के बाद उसे मार देता है। और फिर हल्की सी सुबह होने के बाद सब जाते हैं। पेट्रोनियस भी लुक्रेशिया को हम गेम्स का मैटर क्विंटस के साथ डिस्कस करेंगे ऐसा बोल के चला जाता है, तो लुक्रेशिया खुश होती है। साथ में टूलियस जाते जाते गाइया की बात करता है और फिर सब जाने के बाद लुक्रेशिया को गाइया की लाश दिखती है, तो वो बहुत ही रो के समझ जाती है कि ये कान टूलियस का ही है। तभी टाइटस वगैरह आता है और वो सब देख के क्विंटस और लुक्रेशिया पे बहुत ही चिल्लाता है। साथ में लुक्रेशिया गाइया की मौत का बदला लेना चाहती है, तो क्विंटस ऐसा कुछ भी नहीं होगा, गाइया ने ज्यादा शराब पीने की वजह से वो फिसल के खाई में गिर गई ऐसा बताएंगे ऐसा बोल के सभी सबूत मिटाने को बोल के क्विंटस को अकेले में ले जाके अब मैं तुम्हें सही रास्ते पे लाऊंगा। लुक्रेशिया बाटियाटस खानदान को वारिस भी नहीं दे रही ऐसा वैसा बोल के या तो तुम लुक्रेशिया को छोड़ दो या फिर उसे लेकर मेरे घर से निकल जाओ ऐसा बोल के चला जाता है, जिससे क्विंटस उदास होता है। साथ में गाइया की लाश खाई
में फेंकते है तो लुक्रेशिया भी बहुत उदास होती है। मेलिटा गैनिकस के साथ ठुकाई करते करते ओनोमेस को दिख जाती है तो वो उन दोनों को मार देता है। ऐसा सपना देखती है और शौक होके उठती है। तभी नेविया उसे बुलाने आके वो लुक्रेशिया के पास जाके लुक्रेशिया उन्हें गाइया की चीजें फेंकने को बोल के गाइया को याद करके बहुत ही उदास होती है। तो मेलिटा लुक्रेशिया को समझा के दिलासा देती है। क्विंटस सलोनियस को बाजार में मिल के उस कांड के बारे में और टाइटस उसकी शादी तोड़ना चाहता है वो बात बताता है। साथ में सलोनियस को न्यू अरेना का इन्विटेशन है ऐसा पता चलता है तो क्विंटस बहुत उदास होता है। लूडस में सब ग्लैडिएटर्स तगड़ी ट्रेनिंग फाइट वगैरह करते हैं। उनको देख के टाइटस ओनोमेस से बात करके मैं सिसिलिया गया तो पूरा लूडस तहस नहस हो गया है। अब मैं कॉन्टेस्ट करवाना चाहता हूँ जिससे ग्लैडिएटर्स को रैंक मिल सके। साथ में जो भी कॉन्टेस्ट में हारेगा उसे माइंस में भेज दिया जाएगा ऐसा बोल के ओनोमेस को कॉन्टेस्ट की तैयारी करने को बोलता है। उसके बाद कॉन्टेस्ट शुरू होकर सब ग्लैडिएटर्स एक एक करके फाइट करते हैं। वो फाइट टाइटस देख के क्विंटस भी आता है तो उसे भी कॉन्टेस्ट के बारे में बता के दोनों फिर से लुक्रेशिया को छोड़ने के बारे में बहस करते हैं। तो टाइटस उसे कॉन्टेस्ट का रिजल्ट 2 दिनों में मिलेगा और डिसीजन लेने में तुम्हारे पास भी सिर्फ 2 ही दिन है ऐसा बताता है। जिससे क्विंटस उदास होकर सारी बात लुक्रेशिया को बता के टाइटस को मनाने की बात करता है लेकिन लुक्रेशिया बहस करके अब कोई फायदा नहीं है ऐसा बोलती है। जिससे क्विंटस भी गुस्से में तुम मुझे बच्चा नहीं दे सकती ऐसा बोलती है लेकिन उसे समझ में आता है तो सॉरी भी बोलता है लेकिन लुक्रेशिया उदास होकर चली जाती है। रात को ओनोमेस और मेलिटा पूजा पाठ करके जम के पेलम पेलाई करते हैं और फिर अगली सुबह कॉन्टेस्ट की फाइट शुरू होके क्विंटस टाइटस वगैरह देखने लगते हैं। वहीं पे क्रिक्सस को देख के लुक्रेशिया को गाइया की याद आती है क्योंकि क्रिक्सस को गाइया पसंद करती थी। तभी टाइटस ने इन्विटेशन भेजा होता है तो टूलियस आके टाइटस उससे बात करने ऑफिस में जाता है लेकिन टूलियस के आने से क्विंटस वगैरह परेशान होकर सब हमारे हाथ से चला जाएगा ऐसा वैसा बोलता है। जिससे लुक्रेशिया उसे मोटिवेट करके टाइटस को मारने का प्लान बनाती है। ऑफिस में टूलियस क्विंटस के लिए गिफ्ट में शराब लाता है वो देखे टाइटस को अच्छे से पता होता है कि गाइया को टूलियस ने ही मारा है। जिससे गाइया की मौत के बारे में बात करते हैं। वहीं पे फिर से टूलियस गन्निकस के बदले न्यू अरेना के ओपनिंग गेम्स में पोजीशन की वगैरह बात करता है लेकिन टाइटस मेरा बेटा गन्निकस को चैंपियन मानता है ऐसा बोलता है तो टूलियस उसे समझा के चला जाता है जिससे टाइटस थोड़ा गुस्सा होता है। नेविया को डियोना रोते हुए दिखती है तो वो उससे बात करके डियोना उससे माफी मांग के अब मुझे सिर्फ मरना है ऐसा वैसा बोलती है। तो नेविया भी उदास होकर उसे वहां से आजाद करने का प्लान बनाती है। कॉन्टेस्ट में गन्निकस और बारका की फाइट होकर गन्निकस को मेलिटा दिख के उसे ठुकाई याद आती है जिससे बारका उसे ठोकता है लेकिन फाइट में गन्निकस कमबैक करके जीत जाता है। वहीं पे असुर और डेगन की भी फाइट होती है तो असुर डेगन से बात करके मुझे माइंस में नहीं जाना है ऐसा बोल के डेगन थूकता है और फाइट में भी डेगन असुर को प्यार से हराता है लेकिन असुर थोड़ा इमोशनल करके डेगन का ध्यान हटा के उसके पप्पू पे दनखा दे के उसकी आंख फोड़ के जीत जाता है। और फिर टाइटस सबको आराम वगैरह करने को बोल के जा रहा होता है तो क्विंटस उससे मुझे बात करनी है ऐसा बोल के टाइटस मुझे भी तुमसे बात करनी है ऐसा बोल के उसे कैपुआ के पुराने मैदान में ले जाता है। उनके जाते ही लुक्रेशिया क्रिक्सस को अपने कमरे में बुला के उसे बच्चा चाहिए होता है तो क्रिक्सस को उसके बारे में पूछ के या जो भी होगा उसके बारे में कभी किसी को मत बताना ऐसा बोल के उसका औजार देख के नीचे झुक के पीछे से खुदाई करने को बोलती है और जब तक दही नहीं गिरती तब तक रुकना मत ऐसा बोल के क्रिक्सस लुक्रेशिया को पीछे से जम के ठोकता है। मैदान में टाइटस क्विंटस के साथ उसके बचपन की बातें करके तुम मेरे बेटे हो मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा ऐसा बोल के उसे टूलियस का ऑफर बताता है और तुम मेरे साथ रहो ऐसा बोलता है लेकिन क्विंटस लुक्रेशिया मेरी वाइफ है ऐसा बोल के वहां की लकड़ी उठा के टाइटस को नहीं मारता और वो लकड़ी याद के तौर पर उसे देके चले जाते हैं। और घर आके नहाते नहाते क्विंटस लुक्रेशिया को मैं अपने पिता को नहीं मार पाया लेकिन मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता हूँ ऐसा बोल के इमोशनल होकर दोनों वहां से जाने का फैसला करते हैं। टाइटस की थोड़ी तबीयत खराब होने लगती है। वहीं पे ओनोमेस उसे ग्लैडिएटर्स के रैंकिंग के बारे में बता के क्रिक्सस और गन्निकस के रैंक सेम है और फाइनल कॉन्टेस्ट उन दोनों के बीच में होगी ऐसा बताता है। तो टाइटस गन्निकस को कॉन्टेस्ट से निकाल दो उसे टूलियस को बेचना है ऐसा बताता है। तो मेलिटा और ओनोमेस शॉक होते हैं और टाइटस से बात करके गन्निकस भरोसेमंद दोस्त है लेकिन वो अच्छा फाइटर भी होके इस लूडस के लिए फायदेमंद रहेगा हमें उसे नहीं बेचना चाहिए ऐसा बोलता है। तो टाइटस अगर हमने टूलियस को गन्निकस नहीं दिया तो फ्यूचर में हमें फाइट्स में एंट्री मिलना मुश्किल होगा ऐसा वैसा बता के अगर गन्निकस फाइनल कॉन्टेस्ट में क्रिक्सस को हराएगा तो हम उसे नहीं बेचेंगे ऐसा बोलता है। ये सारी बात ओनोमेस गन्निकस को बताता है तो वो भी थोड़ा शॉक होता है। और फिर अगले सीन में फाइनल कॉन्टेस्ट की अनाउंसमेंट करके क्रिक्सस और गन्निकस तगड़ी फाइट करने लगते हैं। तभी क्विंटस और लुक्रेशिया जाने के लिए निकल के क्विंटस को आखिरी बाय बोलने जाते हैं तो क्विंटस उन्हें फाइट खत्म होने तक रुकने को बोल के वो भी फाइट देखने लगते हैं। सब फाइट देखने में बिजी होते हैं तो उसी का फायदा लेके नेविया चुपके से डियोना को गाइया के सामान से जो भी दिनारी मिले थे वो देके उसे वहां से भगा देती है। क्रिक्सस गन्निकस के साथ अच्छी फाइट करता है। तभी फाइट करते टाइम गन्निकस फिर से मेलिटा की तरफ देख के उसे उसके साथ की हुई ठुकाई और चुम्माचाटी याद आती है जिसका फायदा उठा के क्रिक्सस गन्निकस को ठोकता है। साथ में गन्निकस हथियार छोड़ के क्रिक्सस के हमले को
नहीं रोकता, जिससे क्रिक्सस उसे हराता है। तो सब क्रिक्सस की तारीफ करते हैं, लेकिन क्रिक्सस बिल्कुल भी खुश नहीं होता। फाइट खत्म होती है तो टाइटस क्विंटस को समझाने लगता है। तभी टाइटस की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होकर वो बेहोश होता है। तो उसे कमरे में ला के डॉक्टर चेक वगैरह करके वहां पे दवाइयां अवेलेबल नहीं होती, तो लुक्रेशिया टाइटस का ध्यान रखने रुक के क्विंटस डॉक्टर और ओनोमेस के साथ दवाई लाने जाता है। लुक्रेशिया टाइटस का ध्यान रख के टूलियस ने लाई हनी वाइन देती है, लेकिन टाइटस मुझे टूलियस की शराब नहीं चाहिए ऐसा बोल के नहीं पीता। तभी मेलिटा लुक्रेशिया को कल गैनिकस चला जाएगा तो मुझे आखिरी बार उससे बात करनी है ऐसा बोल के परमिशन लेके टूलियस ने भेजी शराब लेके गैनिकस के पास जाती है। गैनिकस उदास होता है और मेलिटा उसे शराब देती है तो वो मुझे हनी वाइन पसंद नहीं है ऐसा बोल के नहीं पीता। तो मेलिटा अकेले ही शराब पी के थोड़ी बातें करके गर्म होके गैनिकस के साथ चुम्मा चाटी करके दोनों जोरदार पेलम पेलाई करने लगते हैं। या लुक्रेशिया भी डॉक्टर ने वाइन देने को बोला है ऐसा बोल के दूसरे ग्लास में रखी टूलियस की शराब टाइटस को पिलाती है। और थोड़ी देर में टाइटस खांसने लगता है तो दरवाजे खिड़कियां लगा के मैं तुम्हें जानबूझकर हनी वाइन पिलाती थी जिससे तुम्हारी तबीयत खराब हो के तुम जल्दी सिसिलिया वापस जाओ, लेकिन अब मुझे परमानेंट सॉल्यूशन मिल गया है। तुम्हारी तबीयत पहले से खराब है, मुझे बस तुम्हारी खांसी बढ़ानी है। साथ में मैं टूलियस की शराब से यह सब हुआ ऐसा बताऊंगी तो क्विंटस टूलियस को मार के मेरा गाया का बदला पूरा होगा ऐसा बोल के टाइटस शॉक होकर जोर जोर से खांसने लगता है और थोड़ी देर में मर जाता है। यह ठुकाई करते करते मेलिटा भी जम के खांसने लगती है और उसके मुंह से खून निकल के वो भी मर जाती है। जिसे गैनिकस शराब में कुछ गड़बड़ी थी ऐसा समझ के रोते हुए मेलिटा की लाश को लुक्रेशिया के पास ले जाके लुक्रेशिया मेलिटा और शराब देख के शॉक होती है। साथ में वो भी समझ जाती है कि टूलियस की शराब में सच में गड़बड़ी थी और वो गैनिकस को मेलिटा तुम्हारे साथ थी इसके बारे में ओनोमेस को कभी पता नहीं चलेगा ऐसा बोल के गैनिकस को वहां से भेज देती है। थोड़ी देर में क्विंटस वगैरह घर आता है, वहां ओनोमेस मेलिटा की लाश देख के बहुत ही रोता है, साथ में क्विंटस टाइटस की लाश देख के वो भी उदास होता है। अगले दिन टाइटस के अंतिम संस्कार में मैजिस्ट्रेट भी आता है जिससे लुक्रेशिया खुश होती है। वहीं पे वेटियस भी आता है और टूलियस बिजनेस के लिए एंटियोक जाने की तैयारी कर रहा है इसलिए वो नहीं आया, लेकिन वो बहुत ही उदास है। साथ में उसने और टाइटस ने की गैनिकस के डील का टॉपिक निकलता है तो क्विंटस गुस्सा करके सलोनियस वगैरह वेटियस को वहां से भेज देता है। और फिर अंतिम संस्कार करने से पहले क्विंटस अपने पिता के बारे में कुछ बातें बता के सभी ग्लैडिएटर्स को मोटिवेट करके किसी को भी माइंस में नहीं भेजेंगे ऐसी अनाउंसमेंट करता है तो डेगन को देख के असुर की फटने लगती है। साथ में क्रिक्सस गैनिकस ग्नेस वगैरह वेटियस के लिए फाइट करके क्विंटस वेटियस का अंतिम संस्कार करता है। उसके बाद क्विंटस गैनिकस को ऑफिस में बुला के अपने पिता के कॉन्ट्रैक्ट में गैनिकस को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट निकाल के गैनिकस से बात करता है तो गैनिकस टूलियस को मार के टाइटस का बदला लेने की बात करता है। तो क्विंटस शॉक होकर यह मेलिटा की मौत का बदला लेना चाहता है ऐसा समझ जाता है और गैनिकस को भेज के लुक्रेशिया और सलोनियस के पास जाके गैनिकस के बारे में बताता है तो लुक्रेशिया खुश होती है, लेकिन सलोनियस उन्हें समझा के गैनिकस को टूलियस को देने को बोलता है। तो क्विंटस उस पर भड़कता है, लेकिन लुक्रेशिया दोनों को शांत करके टूलियस को ठोक के न्यू अरेना में पोजीशन पाने का प्लान बनाते हैं। लुक्रेशिया अब नेविया को अपना मार्क लगा के उसके साथ मेलिटा की इमोशनल बातें करके मेलिटा के साथ जैसे हुआ वैसे उसके साथ ना होने का वादा करके मेलिटा जैसे ईमानदारी से सेवा करती थी वैसे ही करने को बोलती है। ओनोमेस गैनिकस के पास आके दोनों मेलिटा के बारे में बात करके गैनिकस उसे सारी सच्चाई बताने ही वाला होता है। तभी वह क्विंटस आके ओनोमेस को गाड़ी तैयार करने को बोल के गैनिकस को भी प्लान बताता है। यह सलोनियस टूलियस के पास आके क्विंटस गैनिकस को सीरियन को बेचने वाला है ऐसी खबर देता है, जिससे टूलियस गुस्सा होकर चाकू की नोक से सलोनियस को उनके प्लान का ठिकाना पूछ के सलोनियस टूलियस वगैरह यकीन कर पाए इसलिए तुम्हारी डील हो गई है तो तुम क्विंटस को मीटिंग के लिए बुलाओगे, तब क्विंटस तुम्हारे आदमियों को खरीद के तुम्हें मारने का प्लान बनाए है ऐसा बताता है। जिससे वेटियस और टूलियस हंस के आदमियों को तैयार करके सलोनियस के साथ बताई हुई जगह पे जाने के लिए निकलते हैं। क्विंटस वगैरह सिटी के सुनसान जगह पे असुर को वगैरह सीरियन ट्रेडर बना के मीटिंग करने जाता है। तभी वह टूलियस वगैरह आता है, लेकिन चारों तरफ से क्विंटस के आदमी मतलब बारका वगैरह निकल के टूलियस और उसके आदमियों को पेल के सलोनियस वेटियस को बांध के सुनसान जगह पे ले जाता है और गैनिकस ओनोमेस वगैरह टूलियस को पकड़ के न्यू अरेना के नीचे ले जाके उसे जम के ठोकते हैं। तो टूलियस क्विंटस को बहुत सारे ऑफर देने लगता है जिससे क्विंटस उसे अपने पिता की राख खिला के तुम्हारी मौत के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा क्योंकि वेटियस इसमें हमारी हेल्प करेगा ऐसा बोल के क्विंटस गैनिकस ओनोमेस वगैरह पागलों की तरह टूलियस को मार के अरेना के एक खंभे में डाल के ईंटे वगैरह लगा के उसे दफना देते हैं। यह वेटियस को दनका दे के सलोनियस न्यू अरेना के ओपनिंग सेरेमनी में सबको तुम टूलियस बिजनेस के लिए एंटियोक गया है और उसने अरेना कैपुआ के लिए बनाया है तो उसके बिना ही गेम स्टार्ट करे और किसी को कुछ भी शक नहीं होना चाहिए ऐसा वैसा बोलने को बोलता है। और वेटियस नहीं मानता तो क्विंटस ने वगैरह टूलियस को मार दिया है और उसकी लाश भी नहीं मिलेगी, साथ में अब तुम्हारी रक्षा करने के लिए कोई भी नहीं बचा है ऐसा बता के वेटियस डर जाता है और उसने जैसा बोला वैसा करने के लिए रेडी होता है। साथ में सलोनियस मौके का फायदा उठा के वेटियस का लूडस और उसके सारे आदमी अपने
नाम पे कराता है, लेकिन क्विंटस और उसके प्लान में वेटियस के आदमी दोनों में बराबर बांटने होते हैं। घर में लुक्रेशिया क्रिक्सस को बुला के उसका औजार देख के उसे सर के और नीचे के हेयर्स काटने को बोल के पागलों की तरह जम के पेलम पेलाई करती है। अगले सीन में न्यू अरेना की ओपनिंग सेरेमनी होती है, तो तगड़ा स्वागत वगैरह करके स्टेज पे मैजिस्ट्रेट क्विंटस वारस वगैरह सब लोग होते है, लेकिन टूलियस नहीं दिखता तो सब उसके बारे में पूछ के क्विंटस वेट करते है ऐसा बोलता है। तभी वेटियस आके टूलियस बिजनेस के लिए अर्जेंट में एंटियोक गया है जिससे वो यहाँ नहीं आ पाएगा, साथ में मैं भी एंटियोक शिफ्ट हो रहा हूँ ऐसा बता के मैंने अपना लूडस और आदमी सलोनियस को भेज दिया है ऐसा यकीन दिलाता है। तो क्विंटस शॉक होकर सलोनियस वेटियस को बाहर तक छोड़ने जाके उसे यहाँ अब कभी मत दिखना ऐसी धमकी दे के वेटियस को भेज देता है। तभी क्विंटस आके उसके साथ बात करके अपना प्लान याद दिलाता है, लेकिन अब वो उसकी नहीं सुनता जिससे सलोनियस और क्विंटस में दुश्मनी हो जाती है। और फिर स्टेज पे जाके मैजिस्ट्रेट अनाउंसमेंट वगैरह करके ओपनिंग गेम्स हाउस ऑफ द ग्लैडिएटर्स और हाउस ऑफ द सलोनियस के ग्लैडिएटर्स में होंगे, साथ में जितने भी ग्लैडिएटर्स जीतेंगे उनकी फाइट फाइनल में एक साथ होगी ऐसी अनाउंसमेंट करके गेम शुरू होने से पहले कुछ भागे हुए कैदियों को मैदान में लाके बड़ी बेरहमी से मार देते हैं, जिसमें डियोना भी होती है तो नेविया उदास होती है। और फिर गेम शुरू होकर ग्लैडिएटर्स तगड़ी फाइट करके पब्लिक वगैरह मस्त एंजॉय करते हैं। रात तक फाइट होके फाइनल्स में गैनिकस क्रिक्सस ग्नेस डेगन असुर वगैरह पहुंचते हैं, लेकिन सलोनियस के ग्लैडिएटर्स क्विंटस के लोगों से ज्यादा फाइनल में होते हैं, जिसे क्विंटस अपने ग्लैडिएटर्स को तगड़ा मोटिवेट करके गैनिकस क्रिक्सस को वगैरह हमारी लड़ाई सलोनियस के फाइटर से है हमें आपस में नहीं लड़ना है ऐसा वैसा समझा के सब मैदान में जाते हैं। साथ में सलोनियस के आदमियों में क्या बरस भी होता है। मैजिस्ट्रेट तगड़ी अनाउंसमेंट करके सभी ग्लैडिएटर्स के गोल आग लगाई जाती है और उन्हें उस आग के बीच में फाइट करनी होती है जिससे सबकी फट जाती है और फिर बिगिन बोल के फाइट शुरू होती है। सब फाइटर तगड़ी फाइट करने लगते है, लेकिन बीच में डेगन असुर पे हमला करके आपस में लड़के असुर डेगन को मार देता है जिससे सलोनियस वगैरह क्विंटस पे हंसने लगते हैं। गैनिकस क्रिक्सस वगैरह सलोनियस के सभी आदमियों को पेल के लास्ट में कैबरस ही बचता है और उसके साथ गैनिकस फाइट कर रहा होता है तो असुर क्रिक्सस को गैनिकस को मार के हम साथ में चैंपियन बनते हैं ऐसा बोल के गैनिकस पे हमला करने लगता है। वैसे क्रिक्सस असुर का पैर तोड़ के आग के बाहर फेंक के गैनिकस के साथ कैबरस को पेलने लगता है, लेकिन कैबरस दोनों को पागलों की तरह पेल के क्रिक्सस को ठोकने वाला होता है जिससे गैनिकस क्रिक्सस को आग के बाहर फेंक के अकेले ही कैबरस के साथ फाइट करने लगता है। तो कैबरस गैनिकस को जम के पेलता है जिससे सबको लगता है कि सलोनियस का आदमी कैबरस ही जीतेगा, लेकिन गैनिकस उठ के कैबरस का भाला तोड़ के मुंह में भाला मार के पूरा का पूरा मुंह भाले से उखाड़ के बहुत ही बेरहमी से मार के जीत जाता है और रियल गार्ड ऑफ द अरेना बनता है, जिससे पब्लिक पागलों की तरह गैनिकस के नारे लगा के वारस कसुटियस वगैरह क्विंटस के आदमियों को अपने गेम्स में लेने का फैसला करते हैं। तभी सलोनियस गैनिकस के रहते उसके आदमी कभी नहीं जीतेंगे ऐसा समझ के वो आइडिया लगा के इस दिन को यादगार बनाने के लिए गैनिकस को आजाद करने का सुझाव देता है, जिससे मैजिस्ट्रेट वगैरह भी राजी होता है तो क्विंटस भी ना नहीं बोल पाता और मैजिस्ट्रेट गैनिकस की आजादी की घोषणा करता है जिससे पब्लिक नारे लगा के गैनिकस वगैरह इमोशनल होता है। अगले सीन में क्विंटस के लूडस में सब गैनिकस की तारीफ करके ओनोमेस उसकी आजादी की निशानी एक लकड़ी का चाकू जिसे वो रूडीज बोलते हैं वो देके गैनिकस आजाद हो जाता है और सबके साथ लास्ट टाइम अच्छे से मिलके जाते जाते ओनोमेस को सच्चाई बताने का सोचता है, लेकिन वो नहीं बता पाता। साथ में क्रिक्सस को अपने गले का लॉकेट देके वहां से आजाद होके चला जाता है। वहीं पे असुर लंगड़ा होता है तो वो क्रिक्सस से नफरत करने लगता है। गैनिकस चला जाता है तो क्विंटस वगैरह उदास होता है, लेकिन लुक्रेशिया उसे समझा के उसका ध्यान क्रिक्सस की तरफ करती है और फिर क्विंटस ओनोमेस को ऑर्डर देके ओनोमेस सभी ग्लैडिएटर्स को ट्रेनिंग करवाने लगता है और इसी तरह से स्पार्टाकस गॉड्स ऑफ द अरेना का अंत हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे पता है वीडियो लंबी है, लेकिन यार मुझे स्पार्टाकस सीरीज को अच्छे से एक्सप्लेन करना है और ये तो सिर्फ 6 एपिसोड्स थे, लेकिन आगे के सीजन में 10 से भी ज्यादा एपिसोड्स है, तो मैं सोच रहा हूँ कि 2 पार्ट में वीडियो बनाऊंगा। वैसे अगर तुमको स्पार्टाकस के एपिसोड वाइज वीडियो चाहिए तो मैं सेकंड चैनल पे एपिसोड वाइज वीडियो बनाता हूँ, उस चैनल पे सिर्फ वेब सीरीज ही एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको वेब सीरीज देखनी है तो मैं सेकंड चैनल का नाम शेयर कर दूंगा, उसका नाम वेब एक्सप्लेन है, लिंक नहीं दूंगा भाई, प्रॉब्लम हो जाती है। और हाँ, अगर तुमको स्पार्टाकस जैसी सीरीज या फिर मूवीज पता है तो प्लीज कॉमेंट में बताओ यार, सच में मुझे स्पार्टाकस जैसी तगड़ी सीरीज आज तक कोई भी नहीं लगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।